हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में हर दिन न्यू रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं, काफी लोग पुराने भी हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि मार्केट में जो 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, वहां पर कभी कभी कुछ स्पेसिफिक टाइम में सडन तेजी या मंदी क्यों हो जाती है, और वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन होती है और वो फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें ये मामला पता ही नहीं होता है। जबकि मेरा मानना है जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो जैसे बिजनेस की सारी चीजों को समझते हैं और सक्सेस होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए हर एक चीज को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि पोजीशन ना फंस जाए, नुकसान ना हो जाए, और जो ये सीखते हैं वो कमाते हैं, और जो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं वो डूब जाते हैं। तो क्या आप ये नई चीज सीखने के लिए तैयार हैं एज अ बिगनर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि एज अ बिगनर आज की वीडियो एक रामबाण दवा होने वाली है, जिसको इस दवा को लेने के बाद आप मार्केट की अप एंड डाउन क्यों हो रही है इसको लेकर 80% टाइम कंफ्यूज नहीं रहोगे, इट्स माय प्रॉमिस। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड पैसे कमा सकेंगे, और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज आपके पॉकेट में सबसे पहले रहेगी। तो देखिए आज सीखने के बाद किसी के पास जाकर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि सर ये बता दो मार्केट क्यों अप एंड डाउन हो रहा है, मैं क्या करूं, बल्कि आप खुद बॉस बन जाओगे और दूसरों को बताओगे ये देखो मार्केट क्यों अप हुआ क्यों डाउन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मार्केट ओपन होने से पहले यानी 9:15 पे जब ओपन होता है उससे पहले हमें डाउ जोन्स को देखना चाहिए, क्योंकि रात में इंटरनेशनल मार्केट में कैसा मूव हुआ है उसके अनुसार बहुत बार हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है। अगर डाउ जोन्स डाउन है तो इंडियन मार्केट डाउन, अगर डाउ जोन्स अप है तो इंडियन मार्केट अप, साथ में एसजीएक्स निफ्टी भी देखें। और यही कारण है कि रोज में ट्विटर और टेलीग्राम पे मार्केट ओपन होने से पहले आप सबके साथ डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी के लेवल शेयर कर देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि मार्केट किस साइड ओपन होगा, और जो लोग जुड़े हुए होंगे वो रोज फायदा ले रहे होंगे। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट टाइमिंग जिससे मार्केट के गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग का एक आइडिया आप लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग है आफ्टरनून की, जब इंडियन स्टॉक मार्केट कभी कभी सडन डायरेक्शन चेंज कर देता है, या फिर मार्केट जिस साइड भी चल रहा हो उस साइड और भी तेज चलने लगता है, यानी अगर बुल रैली चल रही है तो सडन बुल रैली स्ट्रांग हो जाती है। ये क्यों हो रहा है समझने के लिए डाउ जोन्स फ्यूचर को देखिए। अगर डाउ जोन्स फ्यूचर में अगर बिग तेजी या बिग मंदी आती है तो निफ्टी पर भी इंपैक्ट दिखता है, लेकिन अगर ये साइडवेज या नॉर्मल मूव में रहता है तब कोई इंपैक्ट नहीं दिखता है। बिगनर के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। यहां पर ये समझना इसलिए जरूरी है कि ये नहीं कि आप ट्रेड लें, बल्कि इससे आइडिया होता है और आपको अपनी पोजीशन में टेंशन नहीं होता है। इसके बाद आफ्टरनून में यूरोपियन मार्केट भी ओपन होता है, यूरोपियन मार्केट में बिग तेजी या बिग मंदी का इंपैक्ट भी निफ्टी पर आपको देखने को मिलता है। यहां पर बिग प्लेयर यूरोपियन मार्केट को ट्रैक करते हैं और उन्हें न्यूज या कोई भी चीजें जो कंफर्म होती है उसके आधार पर वो पोजीशन को पहले एंट्री लेकर पैसा कमाते हैं, लेकिन आप लोग डर जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये चीजें देखे कहां से, बहुत प्यारी सी चीज है गूगल बाबा, ये देखिए गूगल बाबा पे हम जब जा रहे हैं यहां पर हमको हर एक चीज investing.com है, आपको सारी इंडाइसेस आ जाएगी, बट मेरी नजर में investing.com पे सब कुछ बहुत आराम से दिखता है, 10 जगह परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर आपको जानना है कौन सा ग्लोबल मार्केट किसके खुलने का टाइम कितने बजे है, गूगल पे डालिए ग्लोबल मार्केट टाइमिंग, आपको सब ग्लोबल हर मार्केट की टाइमिंग स्क्रीन पे आ जाती है। यानी बस थोड़ा सा मेहनत करते जाइए, हर चीज दिमाग में आते जाइए, गूगल पे डालते जाइए, हर एक चीज की टाइमिंग आपके सामने, हर एक चीज की डिटेल आ जाती है।
और सबसे प्यारी चीज क्या होती है, जो पोजीशन में हम डर जाते हैं, डर खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पता है डर के कारण होता है। अरे ये सडन क्या हो गया, अरे ये सडन क्या हो गया, और वहां पर सही पोजीशन भी हम गलत में चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, मोटा मोटा आफ्टरनून 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यू टू ऑल ग्लोबल मार्केट ओपनिंग। अब लास्ट है क्लोजिंग टाइम। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको 3:15 बजे तक पोजीशन क्लोज कर लेनी चाहिए। लास्ट 15 मिनट में स्टॉक मार्केट सडन अप सडन डाउन होते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर जो है ना इंट्राडे में पोजीशन कट करते हैं और वहां पर काफी गेम होता है, और जो बिगनर है उन्हें कहीं से रिस्क लेने की नीड नहीं है। क्योंकि कई बार एग्जांपल से बताता हूं कि आपकी पोजीशन 3:15 बजे तक प्रॉफिट में रहती है, लेकिन 3:30 बजे तक के लालच में आप रहते हैं और सडन मूव होता है और वो लॉस में आ जाता है। एक्चुअली वो फ्लिकर है, फ्लिकर यानी 500 का माल है 520 में खड़ा है, यानी आप प्रॉफिट में है 3:15 बजे। आप सोचते हैं अरे थोड़ा देर और होल्ड कर लेते हैं, मेरे को मुनाफा आ जाएगा, लेकिन 3:15 बजे तक वो 520 से 525 जाता है, लेकिन बिग प्लेयर की प्रॉफिट बुकिंग के कारण वो सडनली 520 से सीधा 510 आता है, माल की बिकवाली होती है और आप घबरा के अरे यार गिरना चालू हो गया, काटो काटो काटो, आप 510 में सौदा काट आते हैं। यानी जो मोटा माल आपको घर में अच्छा आना चाहिए था वो सौदा आपके मामूली से प्रॉफिट में या ऑन द कॉस्ट में निकलता है। किन किन लोगों के साथ ऐसा लास्ट मोमेंट में हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मेरा दावा है मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। और आपके कमेंट से जितने भी नए भाई लोग आ रहे हैं उन लोगों को समझने सीखने को मिलेगा और वो आगे से ये लालच नहीं करेंगे। तो मेरी नजर में ये वो चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बिगनर के तौर पे, और मैं चाहूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, स्पेशली बिगनर लोगों तक, जिससे वो इस टाइमिंग की वैल्यू को समझ सके और इसका पूरा फायदा लेकर बिना डरे कमा सके। तो बस प्यार देते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।